टुडे आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। पूछोगे नहीं क्यों, चलिए मैं खुद बता देती हूँ। क्योंकि आज ना एक ऐसा फ्लैट लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसको देखने के बाद आप लोग खुद सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाले हैं। क्योंकि इतना अमेजिंग फ्लैट, इतना लग्जीरियस फ्लैट आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, दिल्ली के जैसे प्राइम लोकेशन पे, वो भी वेस्ट दिल्ली जैसे प्राइम लोकेशन पे ऐसा फ्लैट शायद ही आपके लिए कोई लेकर आया होगा। और हम सिर्फ और सिर्फ होम फॉर सेल आपके लिए लेकर आए हैं, इतना ही ज़्यादा लग्जीरियस फ्लैट। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ आज एक ऐसा फ्लैट जिसको देखने के बाद आप भी सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाले हैं। तो ये फ्लैट आपको मिल जाता है मोहन गार्डन जैसे प्राइम लोकेशन पे, मेट्रो स्टेशन नवादा से सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये फ्लैट मिल रहा है। आपको मेन रोड की कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे मिल जाती है। पास में ही आपको आर्य समाज की बड़ी मार्केट मिल जाती है, जो शायद आपको सरोजिनी नगर से भी सस्ती मार्केट पड़ने वाली है। साथ में आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी स्कूल्स, तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, एल टाइप का फ्लैट है, तो फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पे दो दो बालकनी मिलने वाली है और साथ में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं कि आपको इतनी अच्छी वेंटिलेशन मिलने वाली है जिससे आपका दिल खुश हो जाने वाला है। साथ में एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इंडिपेंडेंट फ्लोर है, यानी कि एक फ्लोर पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक अकेला फ्लैट मिलने वाला है, यानी पड़ोसियों से नो किचकिच। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारी हाई एमिनिटीज भी मिल जाएगी, बहुत बड़ी सी कार पार्किंग है, लिफ्ट की फैसिलिटी है और साथ में हम आपको अप टू 90% तक की फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लिविंग एरिया से। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल होम फॉर सेल में, और मैं शिल्पी श्रीवास्तव, और आज आपको लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन से 120 गज में बने हुए एक 3 BHK के फ्लैट में। और मैंने फ्लैट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में पहले ही दे ही दी थी, साथ में मैं आपको दिखा दी थी लिविंग एरिया, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस मिलने वाला। जी हाँ, बिल्कुल भी वाइड कैमरे से आप नहीं देख रहे हैं, ये वाइड एंगल कैमरा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हम नॉर्मल जो भी एक्चुअल साइज़ है इस लिविंग एरिया का, हम आपको वो दिखा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग साइज है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, आप आराम से डाइनिंग स्पेस भी इस लिविंग एरिया में निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से, आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, इतनी अमेजिंग क्रीमिश कलर में आपको फ्लोरिंग मिल जाती है। अगर आप पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन देखें तो आपको बहुत ही एक प्रीटी सा, बहुत ही लग्जीरियस लुक दे रहा है आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा। इससे जो आपको वॉलपेपर मिल रहा है, बहुत ही प्यारा सा कलर है। साथ में अगर ब्राउनिश कलर में आपको मिल जाता है, कॉफ़ी सा कलर है। साथ में हमने इसके ऊपर स्प्लिट AC के लिए आपको वायरिंग दे दी है, और यहाँ पर आपको एक हमने स्विच बोर्ड भी दे दिया है, और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न हम आपको वॉलपेपर का दे रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस साइड हमने बिल्कुल प्लेन वॉल रखी है, बहुत ही प्रीटी सा पेंट किया गया है इसके ऊपर, जो कि बहुत प्यारा कलर है। और साथ में आप यहाँ पे आराम से एल शेप, यू शेप, 10-सीटर सोफ़ा, 15-सीटर सोफ़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलने वाला है। साथ में अगर मैं इस साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टीवी यूनिट। यहाँ पे आपको मार्बलिश लुक में आपको बहुत ही प्यारा सा टीवी यूनिट मिल रहा है। नीचे आपको बहुत बड़े बड़े ड्रॉर्स मिलते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और साथ में ये जो डिज़ाइन साइड साइड दिया गया है आपको वुड का, वो तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। इस साइड आपको लाइनिंग मिल जाती है एक ब्लैक कलर की, और यहाँ पे आपको मैट ब्लैक कलर में हम स्विच बोर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी एक नहीं, तीन तीन हम आपको स्विच बोर्ड वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पे आप आराम से बड़े से बड़ा टीवी यहाँ लगा के अपना मिनी थिएटर बना सकते हैं। और सेम पेंट हमने इस वॉल पे भी रखा है। उसके बाद में इस साइड आपको लेके चलूं तो आप यहाँ पे आराम से अपना डाइनिंग एरिया निकाल सकते हैं। आपके पास इतना सारा स्पेस है कि यहाँ पे आप आराम से अब 6-7 सीटर का डाइनिंग स्पेस लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने आपको ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर दे दिया है। इसके साथ साथ इस लिविंग एरिया की जो फॉल्स सीलिंग है वो आपको और ज़्यादा खूबसूरत मिलने वाली है। आपको बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न मिलने वाला है, बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा
खूबसूरत सा एक सैंडलियर मिल रहा है, बहुत ही कूल, बहुत ही खूबसूरत झूमर मिल जाता है। उसके साथ साथ सीलिंग का पैटर्न अगर आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। आपको यहाँ पे कॉबलेट्स मिल रही है, LED लाइट्स मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात फोकस लाइट भी मिल रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इस लिविंग एरिया का सीलिंग, और बहुत ही प्यारा सा आपको मिल जाता है लुक आपके पूरे के पूरे लिविंग एरिया में। तो ये हो गई बात आपके लिविंग एरिया की। आपने जैसे कि देख लिया बहुत ज़्यादा स्पेशियस, आप चाहे इस लिविंग एरिया को इतनी खूबसूरत तरीके से डेकोर कर सकते हैं। इवन अभी इस फ्लैट में 10-12 दिन का काम अभी बाकी है, थोड़े से चीज़ें बाकी है, उसके बाद अगर आप ये फ्लैट देखोगे, आपको ये फ्लैट देखते ही आप तुरंत बुक करा लोगे। इसके साथ साथ मैं आ चुकी हूँ कॉमन वॉशरूम की तरफ। जो आपका कॉमन वॉशरूम है किसी होटल रूम के कॉमन वॉशरूम से कम नहीं है। जी हाँ, आप होटल जाते हो तो होटल में आपको इतना लग्जीरियस बेडरूम में आपको ये ब्यूटीफुल सा वॉशरूम मिलता है। अगर आप यहाँ देखिए, आपको इतना खूबसूरत सा आपको यहाँ पे आपको वॉश बेसिन एरिया मिल रहा है। यहाँ आपको ड्रॉस मिल रहे हैं, आप यहाँ पे अपना शैम्पू वगैरह रख सकते हैं। इतने प्यारे तरीके से ये भी डिज़ाइन किया गया है। ऊपर आपको एक खूबसूरत सा आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं तो ये वाले एरिया में आपको हमने डिवाइड कर दिया है, एक मिरर का पार्टीशन दे दिया है। इस साइड आपका हो जाता है वॉशरूम, पूरा का पूरा फिटिंग्स करा दिया, और बीच में हमने ये मिरर लगा दिया है जो कि आपका देख सकते हैं आप, तो जो कि आपका आराम से लॉक हो जाता है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। शावर वगैरह की सारी फिटिंग्स हम करा के दे रहे हैं। इवन अगर मैं सीलिंग आपको दिखाऊं, सीलिंग पे भी आपको बहुत ही खूबसूरत सी प्रोफाइल LED लाइट्स मिल जाती हैं, और साथ में आपको फोकस लाइट मिल रही है। और यहीं से आप अपने जो आपका फर्स्ट बेडरूम है वहाँ का भी दरवाज़ा जाता है। जी हाँ, यहाँ से आपका फर्स्ट रूम से भी कनेक्टिविटी है इसकी, यानी कि आप यहाँ से अपने फर्स्ट बेडरूम से भी इस वॉशरूम को आप इजिली यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका लग्जरियस कॉमन वॉशरूम हो गया। उसके बाद आपको किचन की तरफ लेके जाऊं तो किचन आपको उतना ही ज्यादा खूबसूरत और लग्जरियस मिलने वाला है। बहुत ही प्यारा लुक आपको इस किचन में मिलने वाला है, एक फुल्ली मॉड्यूलर किचन जो पूरी तरीके से ओपन है और लग्जरियस है। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने आपको एक अलग से स्पेस दिया है। अगर यहाँ पे आपको सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे स्पेस दिया है। साथ में अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो आपका मिल जाता है आपको किचन, वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में मिलता है। नीचे के ड्रॉर्स हमने ब्राउन में रखी है जो बहुत ही प्यारा सा लुक दे रही है। यहाँ पे हमने आपको टैप्स की फिटिंग दे दी है, बर्तन धोने के लिए सारी फिटिंग्स हम करा के दे रहे हैं। ऊपर आपको एक ब्लैक कलर में बहुत सारे कैबिनेट्स मिल जाते हैं जहाँ आपके स्पाइसेस वगैरह आने वाले हैं। यहाँ हम दे देते हैं आपको RO की फिटिंग। साथ में आपको बहुत ही प्यारा सा किचन में ड्रॉर्स दे रहे हैं हम, जहाँ पे आप अपना सारा का सारा सामान रख सकते हैं। और आपके जितने भी ड्रॉर्स आप देख रहे हैं सभी अल्ट्रा हाइड्रोनिक्स हैं। जस्ट उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हमने प्रोफाइल LED लाइट्स का काम दिया है आपको। यहाँ पे हमने एक ओपन सेल्फ दिया है जहाँ पे आप अपने बहुत प्यारे प्यारे शोपीस वगैरह रख सकते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ आपको लेकर आऊँ तो वेंटिलेशन के लिए विंडो है, ऊपर हम चिमनी आपको लगवा के देंगे। और यहाँ पे हम आपको फुल्ली ऑटोमेटिक गैस देते हैं। जी हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे गैस दे रहे हैं। अगर आप देखें बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ स्विच पॉइंट्स वगैरह है। सबके घरों में आजकल सबका एक सपना होता है कि उसका मॉड्यूलर किचन हो, इतना प्यारे प्यारे फिटिंग्स हो, तो यहाँ पे अमेजिंग सी फिटिंग्स हम आपको करा के दे रहे हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद अगर आप किचन देखोगे आप लिए बिना रहोगे ही नहीं, इतना अमेजिंग है। नीचे आपको हम आपके बर्तन वगैरह रखने के लिए स्पेस दे रहे हैं। नीचे बहुत सारे ड्रॉल्स आपको मिल जाते हैं जहाँ पे अपना सारा सामान वगैरह आप इजिली रख सकते हो। इस साइड की तरफ भी आपको बहुत सारे ड्रॉल्स मिल रहे हैं जहाँ पे अपना सामान आप रख सकते हो। इवन आप इस साइड देखोगे तो आपको ये ओपन सेल्फ दिए हमने, यहाँ पे अपने क्रॉकरी, जो आपकी महंगी क्रॉकरी होगी आप उसको डेकोरेट करके रख सकते हो। यहाँ पे भी हम अगर देखोगे आप बहुत बड़े बड़े आपको ड्रॉल्स दे रहे हैं, इतने स्पेशियस ड्रॉल्स दे रहे हैं कि आपका सारा सामान इसके अंदर आ जाने वाला है। और इस साइड अगर आप देखो तो हम स्विच बोर्ड वगैरह सब आपको लगा के दे रहे हैं। आप इस सेक्शन को अपना ओवन रख सकते हो, मिक्सी रख सकते हो, इतना सारा स्पेस आपको इस किचन में मिल रहा है। सीलिंग की बात करूं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत आपकी इस किचन की सीलिंग है। आपको जस्ट मेरे ऊपर एक ब्यूटीफुल सा शैंडलियर दिख रहा होगा, बहुत ही प्यारा लग्जरियस लुक दे रहा है, क्लासिक लुक दे रहा है। और साथ में आपको सीलिंग पे प्रोफाइल LED लाइट्स मिल जाती हैं, कॉब लाइट्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत सा लुक दे रही है। और बहुत ही प्यारा किचन है ये, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। उसके बाद मैं आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके जाऊँ तो फुल्ली वेंटिलेटेड, जिसको कहते हैं आपके घर में हवा, धूप, रोशनी इतनी अच्छी आने वाली है कि पूछे। ऊपर से इतना प्यारा, इतनी प्यारे इंटीरियर के साथ आपको ये वाला रूम मिलने वाला है। इतने खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है।
सबसे पहले अगर हम अपने इस वॉल की बात करें तो यहाँ पे आपको पहले तो एक ब्लैक कलर में आपको मिरर का काम दिया गया है, पूरा मिरर ग्लास का काम दिया गया है। इस साइड आपको ब्लैक कलर का काम कर दिया गया, यहाँ आपको प्रोफाइल LED लाइट्स मिल रही हैं, और यहाँ पे हम आपको दे देते हैं बहुत ही प्यारा सा सरमाइका का काम। जी हाँ, एक वुड की बहुत प्यारी सी लाइनिंग मिल रही है आपको, जो ऊपर आपके सीलिंग तक जाती है, और आपकी जो सीलिंग पे आपको प्रोफाइल LED लाइट्स भी मिल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा आपको ये वाला पैटर्न मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो तीन तरीके के काम किए गए हैं, आपको सरमाइका मिल जाता है यानी कि आपको वुड का काम मिल जाता है, उसके बाद आपको प्रोफाइल LED लाइट्स मिल रही हैं, ब्लैक कलर का मिरर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लुक दे रहा है। यहाँ पे आप आराम से अपना किंग साइज का बेड प्लेस कर सकते हैं। सीलिंग तक काम किया गया है, साइड साइड सीलिंग पे भी आपको यहाँ पे देखोगे आप तो इस लाइनिंग पे आपको प्रोफाइल LED लाइट्स दे रखे हैं, बीच बीच में कॉब लाइट्स दे रखी हैं। ये पूरा का पूरा कमरा आपको इतना प्यारा लुक दे रहा है। साथ में अगर मैं इस साइड आऊँ तो इस साइड आपको सबसे पहले बहुत बड़ी सी विंडो मिल जाती है, और ऊपर आप विंडो इसी लगा सकते हैं, आपका हमने स्पेस दे दिया है आपको। इस साइड आपको बड़ी बड़ी विंडो मिल रही है कि आपके रूम में रोशनी आपको बहुत सारी मिलने वाली है। इस साइड आपको ड्रॉल मिल जाता है, मैंने आपको पहले कहा था थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पे आपको पूरा ग्लास वर्क मिल जाएगा, हमने बस कराना बाकी है, ग्लास वर्क मिल जाएगा। ऊपर हमने प्रोफाइल LED लाइट लगाई है, ऊपर हमने छोटा सा स्पेस भी छोड़ा है, और जहाँ आपको दे देते हैं बहुत बड़ी सी अलमीरा जहाँ पे आपने सारे कपड़े वगैरह प्लेस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इधर आपको TV यूनिट मिल जाता है, TV यूनिट भी आपको बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत सा मिल रहा है, और नीचे की साइड आपको ड्रॉस वगैरह मिल जाती हैं, ऊपर आपको बहुत खूबसूरत सा काम किया हुआ मिल रहा है। और इस रूम में आपको पता है एक नहीं दो दो बालकनी मिल रही है। जी हाँ, आपको इस एक रूम में ही आपको दो दो बालकनी मिल जाती है। पहली बालकनी आपको इस साइड मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, और साथ में आपको आपके वॉशिंग एरिया भी मिल जाता है, आपको पूरी की पूरी वुड की फ्लोरिंग मिल रही है, बहुत ही प्यारा सा ब्लैक कलर के टाइल्स का काम किया गया है, आपको नल वगैरह की भी फिटिंग मिल रही है। टॉप में अगर आप देखोगे सीलिंग पे, तो सीलिंग भी हमने ऐसे नहीं छोड़ा है, सरमाइका का काम किया गया है, उस पर लाइट्स लगाई हैं, और साथ में बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा है आपका ये बालकनी भी। इसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ सेकेंड बेडरूम की तरफ, और सेकेंड बेडरूम में जाने से पहले एक चीज़ और दिखा देती हूँ। इस रूम में आपको एक नहीं दो दो बालकनी मिल रही है, तो सबसे पहले यहाँ फुल्ली वेंटिलेशन, आपको इतनी खूबसूरत सी विंडो मिल जाती है, बहुत ही प्यारी। और मैं आपको बता दूं इस विंडो की खासियत, आप बाहर से अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर बाहर से आपको अंदर देखना चाहे तो उसको नहीं दिखेगा। और साथ में इस साइड की बालकनी भी आपको बहुत ही अमेजिंग मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत बालकनी है, जैसा आपने उस वाले रूम में देखा था सेम आपको ऐसे ही बालकनी, इतनी अच्छी हवा आ रही है मिल जाएगी आपको इस बालकनी में। फुट की फ्लोरिंग है टोटली, मिरर का वर्क किया गया है, बहुत ही प्यारा। सीलिंग की बात करूँ तो आपको पूरा का पूरा सरमाइका मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत आपको सीलिंग भी मिल रहा है, लाइट के साथ मिल रहा है। तो ये आपने बालकनी भी आपकी देखी ली, दोनों बालकनी मैंने आपको दिखा दी, और मैंने आपको दिखा दिया था कि कॉमन वॉशरूम की तरफ आप इस वाले बेडरूम से भी जा सकती हो, जिसका गेट इस साइड आपको मिल जाता है, तो इस साइड से आप अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ भी जा सकते हो। तो आप सोचो कितना ज़्यादा लग्जीरियस लुक आपको मिलने वाला है, किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है आपको ये वाला फ्लैट, बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ आपके सेकेंड बेडरूम की तरफ, जो इस साइड पड़ता है। आपको 3 बेडरूम्स आपको मिल जाते हैं बड़े बड़े, तो सेकेंड बेडरूम आपका ये हो जाता है। जो आपका सेकेंड बेडरूम है सेम फुल्ली वेंटिलेशन के साथ आपको मिल रहा है, फुल्ली वेंटिलेटेड जिसको बोलते हैं, वही आपका सेकेंड बेडरूम भी है, बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही सबसे पहले नज़र आपकी ऑफकोर्स इसके ऊपर पड़ी होगी, तो बहुत बड़ी सी विंडो हम अगेन आपको दे रहे हैं, विंडो इसी के लिए स्पेस दे रहे हैं। इधर आपको अलमीरा मिल जाती है सामान रखने के लिए, यहाँ बड़ी सी विंडो आपको स्लाइडिंग डोर के साथ अलमीरा मिल जाती है, ऊपर की साइड आपको प्रोफाइल LED लाइट्स मिल रही हैं, बहुत ही प्यारा सा आपको स्पेस मिल जाता है। देन उसके बाद अगर आप इस वॉल पर आओगे तो यहाँ आपको बहुत प्यारा सा वॉलपेपर मिल जाता है, और बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रहा है। उसके ऊपर सेम मैचिंग का हमने एक बहुत प्यारा सा आपको लैंप लगा के दिया है, जो और भी खूबसूरत लग रहा है। देन उसके बाद मैं अगर आपके आप बैक वॉल की बात करूँ, इधर आ जाते हैं हम, तो ये आपको फ्रंट वॉल हो गया, तो इससे ही ना आपको बहुत ही खूबसूरत सा वर्क मिल रहा है। इसके अंदर आपको LED लाइट्स लगा के दी गई है, जिसकी वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पे आपको वॉलपेपर लगाया गया है। ये वाली सीलिंग जो डिज़ाइन है वो सीलिंग तक लेके गए हैं हम, जो सीलिंग पे है बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन मिल रहा है, प्रोफाइल LED लाइट्स के साथ हैं, कॉब लाइट्स के साथ हैं, बहुत खूबसूरत सा आपको पैटर्न भी मिल जाता है। देन उसके बाद मैं आपको लेके चलती हूँ आपके बालकनी की तरफ, तो जो ये बालकनी है जो आपके फर्स्ट रूम से अटैच थी, वही बालकनी अगेन आ जाती है, तो आपको इस रूम में भी बहुत अच्छा हवा रोशनी वगैरह आने वाली है, तो सेम बालकनी आपको मिल जाती है, बहुत ही अमेजिंग सी है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही प्यारा और स्पेशियस बालकनी आपको मिल जाता है।
तो ये आपने अपना सेकंड बेडरूम भी देख लिया, जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशियस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस मिल रहा है। देन मैं अब आपको लेके चलती हूँ आपके थर्ड बेडरूम की तरफ, जो इस साइड आपका पड़ता है जस्ट आपके किचन के पास। तो इधर आपका थर्ड बेडरूम मिल जाता है। थर्ड बेडरूम भी आपको उतना ही खूबसूरत मिलने वाला है जितना आपको फर्स्ट एंड सेकंड बेडरूम मिल रहा था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है आपका ये वाला थर्ड बेडरूम भी। सबसे पहले पूरा का पूरा आपको बेडरूम व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मिल जाएगा। यहाँ अगर आप डिज़ाइन देखें, बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है। आपकी जो ये वॉल है जो नीचे से क्रिएट होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको LED लाइट्स मिल रही हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन दिया गया है। सीलिंग इतनी प्यारी रखी गई है, अगर आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप हमने डिज़ाइन किया है। पहले एक लेयरिंग मिल जाती है जिसके ऊपर LED लाइट्स, सेकेंड लेयर लगाई गई है, बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे रही है। ब्यूटीफुल सा लैम्प है, बहुत ही व्हाइटिश कलर में पूरा का पूरा रूम रखा गया है। जस्ट इसके अपोजिट साइड आपको मिल जाती है बहुत प्यारी सी वॉलपेपर। अगर आप देखोगे तो इस साइड हमने बहुत प्यारा सा वॉलपेपर आपके लिए रखा है। तीन तीन स्विच बोर्ड्स दे रहे हैं हम आपको। यहाँ पे हम आपको ब्यूटीफुल सा लैम्प दे देते हैं। और आपको पहले कहा था हर एक रूम में आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस साइड बड़ी सी विंडो मिल जाती है, ऊपर के साइड आपको विंडो AC के लिए स्पेस मिल जाता है। तो अमेजिंग सा आपको ये रूम भी मिल जाता है। और इस साइड जो आप देख रहे हैं ये आपका हो जाता है आपका अटैच वॉशरूम। जो आपका अटैच वॉशरूम है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। सबसे पहले वॉश बेसिन की बात करें तो बहुत बड़ा वॉश बेसिन मिल रहा है वुड की। आपको बहुत सारी कैबिनेट्स मिल जाते हैं, टाइल्स ब्लैक एंड व्हाइट कलर का रखा गया है। फिटिंग सारी हम करा के दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पेशियस आपको ये वाला अटैच वॉशरूम भी आपको मिल जाता है। तो ये आपने देख लिया आपका थर्ड बेडरूम भी, जो बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। रियली बहुत लग्जीरियस फ्लैट है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। 120 गज में बना हुआ 3 BHK का फ्लैट आपको मिल रहा है। बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेट्रो स्टेशन दवादा से सिर्फ और सिर्फ 400 मीटर के डिस्टेंस में मिल रहा है। मेन रोड की कनेक्टिविटी 200 मीटर के डिस्टेंस में मिल रही है। आर्य समाज जैसी बड़ी मार्केट मिल रही है आपको पास में ही, साथ में आपको स्कूल हॉस्पिटल सारी फैसिलिटी मिल रही है। और हम आपको अप टू 90% तक का होम लोन की फैसिलिटी देते ही हैं। तो इतने लग्जीरियस फ्लैट को शायद ही आप छोड़ोगे। इंडिपेंडेंट फ्लोर है, एल टाइप का फ्लोर है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट आपको मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, फ्लैट को आप अपना बना लीजिए। बिल्कुल भी देर ना करें, अभी कभी कॉल कीजिए, फ्लैट को अपना बनाइए। जब तक मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, नमस्कार एंड स्टे सेफ।